आइए 9 सेकंड न्यूज में हिमाचल प्रदेश पर कुदरत के कहर से जुड़ी कुछ खबरें देख लेते हैं। बीते 24 घंटों में हिमाचल में हुई छिटपुट बारिश, मौसम विभाग के मुताबिक इस बार मॉनसून अपने चरम पर, 1 जून से अब तक 43% ज्यादा बारिश, अगले 4 से 5 दिन बारिश कम होने की संभावना। शिमला के समर हिल में सोमवार को दिखा मलबे का प्रहार, पानी की तरह तेज रफ्तार से पहाड़ से नीचे गिरता गया मलबा, रास्ते में मलबे से जो भी टकराया हुआ तबाह। हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, विधायक निधि से घरों के आगे पीछे डांगों का होगा निर्माण, 6 महीने के लिए विशेष आपदा प्रबंधन के तहत छूट, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार ले रहे हैं जायजा। शिमला मंदिर हादसे में बचे एकमात्र शख्स ने बताई अपनी आप बीती, कहा उसने सुनाई दी थी बहुत तेज आवाज, मेरे ऊपर कुछ गिरा और मैं मलबे के अंदर था, हादसे ने हमारा सब कुछ छीन लिया। हिमाचल में एनडीआरएफ का सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, पिछले 4 दिन में 70 लोगों की मौत, 185 घर ढहे, 875 सड़कें बंद हो गई हैं, तकरीबन 10,000 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है नुकसान। हिमाचल में सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, वायुसेना ने कांगड़ा जिले से 220 से अधिक लोगों को निकाला हेलीकॉप्टर से, 72 घंटों में 1,000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। हिमाचल में बारिश, लैंडस्लाइड के बाद बांध पर भी दबाव, कांगड़ा में पोंग बांध पर दबाव कम करने के लिए छोड़ा गया पानी, कई इलाके डूबे, पहले से परेशान लोगों के सामने बांध के पानी ने नई परेशानियां खड़ी की। हिमाचल में बंद रोड खोलने की कोशिश जारी है, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के मीडिया एडवाइजर ने बताया अब तक सीएम ने जारी किए 140 करोड़ रुपए, मशीनरी के लिए भी 30 करोड़ का फंड रिलीज किया। हिमाचल में आपदा की वजह से बिगड़े हालात को संभालने की कोशिश जारी, कुल्लू में दिखने लगा है कोशिशों का असर, कुल्लू जिले में 5 दिन बाद डीजल की सप्लाई बहाल। हिमाचल के लिए कांग्रेस ने केंद्र से मांगा अंतरिम राहत पैकेज, कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा राजनीति का समय नहीं, सुप्रीम कोर्ट ले मामले का संज्ञान, एनजीटी प्रोजेक्ट क्लियरेंस पैरामीटर रिव्यू करें। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सफाई, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बिहार के लोग भी यहां फंस गए थे, मैंने उन्हें हेलीकॉप्टर से निकाला, वो हमारे भाई की तरह। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के विवादित बयान पर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का ट्वीट, नीतीश और तेजस्वी कांग्रेस की चमचागिरी कर बिहारियों को गाली सुनवाने का काम कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान पर अनुराग ठाकुर ने कहा यह समय आपदा में राहत का है ना कि यूपी बिहार करने का, केंद्र सरकार ने राज्य की हर तरह से मदद की। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में बाढ़ बारिश से जुड़ी खबरें भी देख लेते हैं। आज कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, पश्चिम बंगाल ओडिशा सहित कई इलाकों में चेतावनी जारी की गई, पूर्वोत्तर भारत के हिस्सों के साथ साथ देश के दक्षिणी हिस्सों के लिए भी अलर्ट। उत्तराखंड में भी कुदरत का कहर, ऋषिकेश में भारी बारिश की वजह से रामझूला पुल का सपोर्ट वायर टूटा, प्रशासन ने रोकी लोगों की आवाजाही, हालात पर अधिकारियों की निगाह। देहरादून जिले के विकासनगर तहसील के गांव में लैंडस्लाइड, 9 मकान और 7 गौशालाएं पूरी तरीके से जमींदोज, प्रशासन रात से ही लोगों की मदद करने में जुटा, प्रभावितों के लिए मुआवजे का ऐलान हुआ। उत्तराखंड में भी कोटद्वार में भारी बारिश से उफान पर मालन नदी, पुल पार कर रहा ट्रक नदी में आए सैलाब में फंसा, ट्रक चालक ने कूदकर जान बचाई, लगातार बारिश से नदियों में उफान। बिहार के सुपौल में फिर कोसी बनी काल, निचले इलाकों में कई गांव पानी में घुसे, इस तरीके से घर बहा, खेत डूबा, फसल बर्बाद, बननिया में लोगों ने कहा सरकार से नहीं मिली मदद, प्रशासन से कोई देखने नहीं आया। नेपाल में बारिश की वजह से कोसी बैराज से लगातार छोड़ा जा रहा है पानी, सुपौल के घीवक गांव में भी कोसी का कहर देखने को मिला, ग्रामीणों ने कहा कि हम लोग भूखे प्यासे, प्रशासन से कोई मदद नहीं मिल रही। सुपौल में बाढ़ से तबाही, शहर से गांव की ओर जाने वाली मुख्य सड़क बही, दर्जनों गांव से संपर्क टूटा, नाव से आवाजाही के लिए मजबूर लोग, ग्रामीणों ने कहा प्रशासन नाव तक मुहैया नहीं करा रहा। बिहार के सुपौल में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली, सदर इलाके के लोगों ने कहा प्रशासन की अपील पर घर से जो हाथ लगा लेकर आए थे लेकिन यहां आने के बाद खाने के लिए तरस रहे। यूपी के फतेहपुर में गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है, कई गांव में पानी पहुंच चुका है, रास्ते बंद होने से नाव के सहारे निकल रहे हैं लोग, अधिकारियों से मदद की जा रही है गुहार।
यूपी के बस्ती में सरयू नदी खतरे के निशान से काफी ऊपर। तटबंध के किनारे बसे गांव में बाढ़ का पानी घुसा। बस्ती के डीएम ने खुद जाना बाढ़ पीड़ितों का हाल, लोगों की सुनी समस्याएं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में बारिश का कहर, कटोरा तालाब, टैगोर नगर, राजेंद्र नगर सहित कई इलाकों में लोग जलभराव से बुरी तरह परेशान। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। पंजाब के फिरोजपुर में सतलुज नदी में फिर से उफान। सतलुज के साथ सटे कई गांव में बाढ़ की स्थिति। लोगों से लगातार सुरक्षित जगहों पर पहुंचने की जा रही अपील। धूसी बांध के पानी से पहले भी आई थी बाढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ली होशियारपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके स्थिति का जायजा। सीएम ने कहा, हिमाचल से आ रहे पानी की वजह से बिगड़े हालात, हमारे अधिकारी लगातार हिमाचल के संपर्क में। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।